दोस्तों, यह चार बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटना से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत में पड़ो तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है, और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसीलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर ना करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जो जीवन की गहरी समझ के लिए उसे दूर गांव तक भी जाना जाता था। गांव के बहुत से लोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उस बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति के पास आते थे, और लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान लेकर वहां से चले जाते थे। ठीक इसी तरह एक दिन पास के गांव में ही एक परेशान युवक उस बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। दरअसल बात यह थी कि वह परेशान व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को लेकर बहुत ही परेशान था। उनके मन में एक ही दुविधा थी कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरी चीजें क्यों होती हैं, और ठीक इसी दुविधा को लेकर वह व्यक्ति बुद्धिमान बुजुर्ग के पास गए। व्यक्ति ने कहा, आप हमसे बहुत ही बड़े हैं, आपके पास जीवन का अनुभव भी है, मेरी एक परेशानी है, क्या आप मेरी परेशानियों का हल कर सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, अगर मैं कर पाऊं तो मैं जरूर करूंगा। तुम्हारी क्या परेशानी है? व्यक्ति कहते हैं, मेरे मन में एक ही दुविधा है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि जो लोग बुरे कर्म भी करते हैं लेकिन उनके जीवन में अच्छा ही होता है, और बहुत से लोग अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उनके जीवन में लगातार बुरा होता है? बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी बातें सुनी और फिर उनसे अपने साथ में चलने को कहा। दोनों मिलकर उनके घर के बगीचे में टहलने लगे। टहलते टहलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचे
जहां पर बगीचे में दो पौधा लगा हुआ था और पौधा भी कुछ इस तरह से लगा हुआ था कि सूर्य की किरणें लगातार दोनों में पड़ रही थीं। देखने में दोनों पौधा समान आकार और आकृति वाले प्रतीत हो रहे थे और उस बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति ने दोनों पौधा को एक ही मिट्टी में लगाया था। फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने उस पौधा की ओर इशारा करते हुए उस व्यक्ति को समझाया कि देखो इसे जरा ध्यान से देखो, यह जो दोनों पौधा है इसकी शुरुआत एक जैसी थी। उन दोनों पौधों में समान मात्रा में धूप पानी और खाद मिली, फिर भी तुम इसे देख सकते हो, एक फला फूला और लंबा हो गया जबकि दूसरा बौना और मुरझाया हुआ है। दूसरा पौधा में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने दोनों पौधा को एक समान देखभाल किया था। बुजुर्ग की बातें सुनकर युवक ने पौधों को करीब से देखा और कुछ समझने के बाद अपना सर हिलाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर आगे कहा, हमारा जीवन भी काफी हद तक इन पौधों की तरह है। जिस तरह पौधों को समान परिस्थितियों में शुरू होने के बावजूद भी अलग अलग विकास परिणामों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह लोगों को भी अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उन लोगों के साथ बुरी चीजें हो सकती हैं जो बेहतर होने के हकदार हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, जो लगातार अच्छे कर्म ही करते हैं, उनके साथ भी बुरी घटनाएं हो सकती हैं। जिस प्रकार बौने पौधे ने बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश की, अच्छे लोगों को भी अपने जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जो उनके नियंत्रण के परे है। वे अपने जीवन में चुनौती और कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन वे उसे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। बुजुर्ग की बातें सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए रुका, जिससे कि युवक को उनकी सारी बातें समझने का मौका मिला। फिर बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, वास्तव में जो मायने रखता है वह सिर्फ उन परिस्थितियों का नहीं है जिनका हम सामना करते हैं, बल्कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इस पर निर्भर करता है। जिस तरह बौना पौधा अभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में पनपने के तरीके ढूंढ रहे हैं, वह लगातार अपनी वृद्धि की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी तरह व्यक्ति अपने भीतर का विकास कर सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए अपनी ताकत, अपना लचीलापन और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। युवक ने बुजुर्ग की बातें ध्यान से सुनी और फिर बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद देकर वहां से चले गए हैं। फिर आने वाले समय में उन्होंने महसूस किया कि जीवन की चुनौतियां हमेशा उचित नहीं रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सीखी हुई ज्ञान का इस्तेमाल किया और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी चुनौतियों का सामना किया। इस जैन कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की बाहरी घटनाओं पर हमेशा हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण को आकार देने की शक्ति है। खराब परिस्थितियों में हम किस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं, हम अपने आंतरिक शक्ति और ज्ञान को विकसित करके अपने विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे अवसर को देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे दूसरा वाला छोटा पौधा पनपने के लिए अपना अनोखा तरीका खोज लेता है और वह समय के साथ साथ सही तरीके से पनप भी जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, सही तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये कहानी हमारे जीवन की अप्रत्याशित के बारे में बताता है। जिस प्रकार समान परिस्थितियों में साथ साथ उगने वाले दो पौधे अलग अलग परिणामों का अनुभव कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्तियों को अप्रत्याशित चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही उनकी अच्छाई या गुण कुछ भी हो। यह कहानी हमारे भीतर के आंतरिक शक्ति और विकास को भी दर्शाती है, क्योंकि आपने देखा कि दोनों पौधों की शुरुआत एक जैसी परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन एक ने अपने विपरीत परिस्थितियों में भी सही रास्ते को अपनाकर अपने फलने फूलने का रास्ता खोज लिया। ठीक इसी तरह हम अपनी चुनौतियों पर काबू पाने और व्यक्तिगत विकास और प्रगति के अवसर खोजने के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर अनंत शक्तियों का वास है। उन्हीं शक्तियों को हम अपनाकर अपने विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर खोज सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन अनित्य है और इस कहानी में अनित्य को दर्शाया गया है। हमें अपने अपूर्णता को अपनाने और जीवन की अनित्य प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार छोटा पौधा का विकास भी इस प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है,
ठीक उसी तरह हमारा जीवन खुशी और दुख के चक्रों से चिन्हित है। हमें इस अपूर्णता को स्वीकार करने से मानवीय अनुभव की गहरी समझ पैदा हो सकती है और इस प्रकार हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन को खुशी खुशी बिता सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।